हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ नदीम, टीम केमिस्ट्री। तो ये एक आपका डीसीएम टेस्ट सीरीज का जेई का एमटीएस 7, जिसमें मैं फिजिकल और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का डिस्कशन करूँगा, इनऑर्गेनिक का दूसरे सर करेंगे, ठीक है। तो जैसे पहला क्वेश्चन है आपके पास, फॉलोइंग ग्राफ, ग्राफ आपको दिया हुआ है, सेकेंड ऑर्डर है, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। हियर ए इज द इनिशियल कंसेंट्रेशन, अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट एंड एनी टाइम, रेट आपको बताना है और वो भी स्टार्ट का, रेट बताना है वो भी स्टार्ट का। तो रेट क्या हो जाएगा, आर इक्वल टू के स्टार्ट मतलब ए नॉट पावर, सेकेंड ऑर्डर है। अब हमें एक तो ये के चाहिए और दूसरे इसका ए नॉट चाहिए, चूंकि ये सेकेंड ऑर्डर है। अब आप जानते हो सेकेंड ऑर्डर का रेट, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन क्या होता है, 1/80 - 1/A0। इस ए टी को अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, के टी इक्वल टू ए टी -1 - 1/A0, ये हो गया। ये a माइनस एक्स क्या होता है, ए टी ही तो होता है, ए टी के पावर माइनस वन बचा हुआ जो है। तो अगर मैं ए टी पावर माइनस वन इक्वल टू लिखूं तो ये क्या आ जाएगा, के टी प्लस 1/A0, ये आ गया। अब आप देख रहे हो कि ग्राफ इसके और इसके बीच में, सॉरी टाइम के बीच में, ये हमारा हो गया इंटरसेप्ट, मतलब यहां से यहां की वैल्यू देखो, ये ओ ए दिया हुआ है, ये 2 है, दैट इज 1/A0। और क्यू कहां गया, ये स्लोप है, स्लोप हमारा क्या आएगा, के आएगा, के हमारा क्या है, स्लोप हमारा क्या है, के, That is tan theta, और क्या वैल्यू दिया है, 0.5। तो अब आप रख लो यहां से, R इक्वल टू के हो गया 0.5 और इधर हो जाएगा ए नॉट, देखिए ये 1/A0 का 2 है, तो ए नॉट कितना हो जाएगा, 0.5 हो जाएगा, 0.5 का स्क्वायर, ये हमारा रेट आ जाएगा, ठीक है। अब आप सॉल्व कर लीजिएगा इसको, यस। तो इजी सा था क्वेश्चन बिल्कुल। नेक्स्ट पर चलते हैं। इस क्वेश्चन में Which of the following reagent can convert the following optically active compound to optically inactive compound? Optically active तो देखो है ही, ये chiral center है यहाँ पे। अब अगर मैं इस पर H2 और निकल डाल दूँ, तो आप जानते हो for hydrogenation alkyne is more reactive than alkene because of its सिलिंड्रिकल शेप, इलेक्ट्रॉन क्लाउड, क्लाउड इलेक्ट्रॉन क्लाउड ज्यादा होता है। तो 1 मोल यहां पे कर दो तो क्या बन जाएगा, ये CH2CHMEH और इधर CH डबल बॉन्ड CH2, ये और ये क्या हो गया, सेम। तो ये क्या हो गया, ऑप्टिकली इन एक्टिव। बाकी आप अगर इनका कराओगे Br2 का, तो यहां पर रिएक्ट करेगा, यहां बी आर आएगा, न्यू काइरल सेंटर जनरेट होगा, तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। एच बी आर डालोगे यहां पर आ गया, या मान लो चलो यहां पर ही आ गया, तो न्यू काइरल सेंटर, मतलब ये तो रहेगा ही रहेगा उसी तरह से। एच बी आर परऑक्साइड डालोगे यहां पर अगर आया, तो ये काइरल सेंटर तो रहेगा ही रहेगा। तो बाकी तीन में तो ऑप्टिकली एक्टिव ही बनेगा, और फर्स्ट में अगर आपने किया तो पहले ऑप्टिकली एक्टिव था, अब क्या हो गया,
ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो आंसर कौन सा चला जाएगा हमारा, फर्स्ट। नेक्स्ट, ओके। तो इसमें आप देखो, ए ग्राफ प्लॉटेड बिटवीन रिडक्शन ऑफ क्यून हाइड्रो, रिडक्शन है यहां पे लिखा है, रिडक्शन ऑफ क्यून हाइड्रो, तो क्यून हाइड्रोन का रिडक्शन ये हो गया, प्लस 2H प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ये दे देगा क्विनॉल। ठीक है, ये सॉलिड ही होते हैं वैसे तो। तो अब अगर मैं इसका Q लिखूं, Q तो क्या आएगा, ये तो लेना नहीं है, 1 बाई H प्लस का क्या आ जाएगा, स्क्वायर। और एक जनरल इक्वेशन E ऑफ रिडक्शन इक्वल टू E नॉट ऑफ रिडक्शन माइनस 0.059 डिवाइड बाई 2 लॉग ऑफ 1 बाई क्यू एच प्लस का स्क्वायर, इसको ऊपर कर दो तो ये हो जाएगा E ऑफ रिडक्शन, E ऑफ रिडक्शन, E ऑफ रिडक्शन, E ऑफ रिडक्शन, E नॉट ऑफ रिडक्शन प्लस 0.059 डिवाइड बाय 2 लॉग ऑफ एच प्लस का स्क्वायर। अब इसका लॉग लोगे ना तो ये कट जाएगा। तो ये बाय मैथमेटिक्स अगर आप इसको सॉल्व करें तो E ऑफ रिडक्शन इक्वल टू E नॉट ऑफ रिडक्शन माइनस, ये मैंने माइनस से मल्टीप्लाई कर लिया है ना, माइनस 0.059 pH। आप सॉल्व कर लीजिएगा इसको। अब ये कह रहा है कि अगर हम ग्राफ प्लॉट करें E रिडक्शन वर्सेस pH, E रिडक्शन वर्सेस pH, तो E रिडक्शन वर्सेस pH, E ऑफ रिडक्शन वर्सेस pH। तो अब आप देख ही रहे हो यहाँ y इक्वल टू c माइनस m x आ रहा है, तो ऐसा कुछ ग्राफ आ गया, ये हमारा इंटरसेप्ट आ गया। इंटरसेप्ट क्या आएगा, E नॉट ऑफ रिडक्शन, स्लोप क्या आ जाएगा हमारा, माइनस 0.059। अब वो कह रहा है कि इंटरसेप्ट हमारे पास है तो इसकी वैल्यू कितनी हमारे पास है, 0.699। ठीक है, कह रहा एट व्हाट पीएच, ये निकालना है, E रिडक्शन विल बी, ये भी हमारे पास है, ये हमारे पास कितना है, 0.492। तो दोस्तों इसको इधर से माइनस करके ये नहीं आ जाएगा क्या, ये हमें सॉल्व करना, सीधा सीधा सा हो गया। नेक्स्ट पे चलते हैं। देखो वैसे तो ये क्या है, एल्डोल कंडेंसेशन का पार्ट है। अब आप देखो इसमें ये साइकिल बहुत ही छोटी है तो इसमें हाई एंगल स्ट्रेन होगा, एंगल स्ट्रेन, सो दैट इट अंडरगोज रेट्रो एल्डोल एल्डोल देन एल्डोल देन एल्डोल। पहले तो ये रेट्रो एल्डोल में जाएगा, कैसे, ये देखो ये इधर है, ये O है, ये H है, बेस आपने डाला है, ये इधर लेगा, यहां पे आएगा नेगेटिव, ये इधर गया, ये देखो खुल गया यहां से रेट्रो एल्डोल, ये बन रहा है हमारा
ये हमारा बन रहा है क्या, देखो चलो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, तो 1 2 3, एक तो 3 पे लगाओ, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ये हो गया। अच्छा यहां पर आ गया नेगेटिव, तो हमारे पास वाटर है ही, डाइल्यूट डालते हैं, ये फाइनली हमारा बन जाएगा डबल बॉन्ड ओ एच और डबल बॉन्ड, ये बन गया हमारा। अब ये बेस तो है ये हमारे पास, अब ये इंट्रा मॉलिकुलर एल्डोल में जाएगा, इंट्रा मॉलिकुलर एल्डोल, इंट्रा मॉलिकुलर एल्डोल में अब इसने जाना, ठीक है। देखो यहां अल्फा है हमारे पास एच, तो ये अल्फा एच 1 2 3 4 5 मेंबर रिंग बनेगा, यहां भी अल्फा है लेकिन इससे बनाओगे तो 3 हो जाएगा, इससे इसको बनाओगे तो 3 हो जाएगा, तो वो फिर से रेट्रो एल्डोल में चला जाएगा, तो 5 मेंबर रिंग का यहाँ पे चांस है, तो 5 मेंबर रिंग बना लेते हैं। देखो जैसे मान लो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, 1 और 5 आपस में जुड़ेंगे और 1 का क्या बनेगा, एल्कोहल बनेगा, 1 और 5, 1 का हमने बना दिया एल्कोहल, ये 1 है, ये मान लो 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, और 4 पर डबल बॉन्ड ओ है, 4 पर डबल बॉन्ड ओ है, लो 5 से मिथाइल भी जुड़ा हुआ है, 5 से मिथाइल भी जुड़ा हुआ है, ये हो गया। देखो जी इसमें हीट भी किया है, तो हीट अगर आप कर दोगे तो माइनस ऑफ क्या हो जाएगा, H2, माइनस ऑफ H2 हो गया, कर दो इसको माइनस ऑफ H2, तो ये फाइनली क्या बन रहा है हमारा, डबल बॉन्ड ओ, ये इधर ये इधर। अब मिला लो आप सीक्वेंस मिलाओगे ये आ जाएगा, सीक्वेंस मिला लो आप, ऐसे नहीं कि उसका डिजाइन नहीं मिलाना है, सीक्वेंस मिलाना है, ओके ठीक है। अब आप या तो आपको अगर वेरीफाई करना है तो इसको देख लो, यहां से ब्रेक करके देख लो, यहां पर क्या आएगा, एच आएगा और यहां डबल बॉन्ड ओ आएगा, वो यही वाला प्रोडक्ट बनाएगा, यही आएगा ये वाला प्रोडक्ट, दोनों तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते। नेक्स्ट, ये तो चलो इनऑर्गेनिक है, ओके। सेक्शन बी में अब आप देखो, इसमें थोड़ा थ्योरेटिकल टाइप का है, आप जानते हो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, ग्रेटर द वैल्यू ऑफ ए, ए क्या करता है, अट्रैक्शन टर्म को मेजर करता है, हाँ मतलब ए अगर ज्यादा होगा तो गैस लिक्विफाई जल्दी होगी, सही है, पहला वाला तो सही है। बी क्या बताता है, साइज ऑफ पार्टिकल को, तो बी देखो ग्रेटर द वैल्यू ऑफ बी वैल्यू ग्रेटर द, ये भी सही है, एक्सक्लूडेड वॉल्यूम साइज ऑफ पार्टिकल, H2 एंड हीलियम ओबे आइडियल गैस ला मोर क्लोजली देन एनी अदर गैस, ये तो गलत हो गया, ये तो हमेशा पॉजिटिव डेविएशन ही दिखाता है ना, तो ये तो गलत हो गया। CO2 SO2 ओबे आइडियल गैस ला एट वेरी लो टेम्परेचर, जो रियल गैसेज हैं वो आइडियल गैस बिहेवियर कब शो करती हैं, लो टेम्परेचर पे नहीं करती, हाई टेम्परेचर और वेरी लो प्रेशर पे करती हैं, किस पर, हाई टेम्परेचर एंड वेरी लो प्रेशर, तो यहाँ तो लो टेम्परेचर दिया हुआ है, ये भी क्या होगा, तो आंसर कौन सा चला जाएगा इसमें, फर्स्ट और सेकेंड। नेक्स्ट देखिए, ये देखो इसमें फर्स्ट वाला सही है,
आप जानते हो फ्यूज्ड रिंग जो होती है वो कम स्टेबल होती है, फ्यूज्ड रिंग की जो रेजोनेंस एनर्जी होती है वो आइसोलेटेड रिंग से कम होती है। तो फ्यूज्ड रिंग इज लेस स्टेबल देन आइसोलेटेड सिस्टम। इसमें इसका रीजन ये होता है कि एनीलेशन इफेक्ट बोलते हैं इसको, एनीलेशन इफेक्ट। जैसे ये मान लो है, अब अगर डीलोकलाइज कराओगे इसको तो ये वाला जो है ये बॉन्ड इसमें भी है और इसमें भी है, इस रिंग की एरोमेटिसिटी और इस रिंग की एरोमेटिसिटी। इस पर अब अगर इसको डीलोकलाइज, जैसे ही डीलोकलाइज कराओगे, जैसे ही डीलोकलाइज कराओगे पार्शियल आना शुरू हो जाएगा, इसकी एरोमेटिसिटी कम होना शुरू हो जाएगी, कम होना शुरू हो जाएगी, तो वो जल्दी उतना एक्सटेंट ऑफ डीलोकलाइजेशन नहीं होगा। इसमें इनके बॉन्ड किसी की एरोमेटिसिटी इन पाई बॉन्ड पे डिपेंड नहीं कर रही, इसका अपना अलग है, इसका अपना अलग है। जैसे ही इसको डीलोकलाइज कराओगे यहाँ पार्शियल आने लगेगा तो इसकी एरोमेटिसिटी लॉस होना शुरू हो जाएगी, मतलब कम हो जाएगी। लॉस का मतलब ये है कि कम हो जाएगा, तो एक्सटेंट ऑफ डीलोकलाइजेशन कम होगा। यहाँ पे ऐसा कोई चक्कर नहीं है, तो इसलिए बोल देते हैं कि फ्यूज्ड रिंग इज लेस स्टेबल देन आइसोलेटेड। दूसरा देखो, एफ है यहाँ पे, 2p है यहाँ पर, 2p है यहाँ पर, 3p है यहाँ पे, 2p है, तो यहाँ डीलोकलाइजेशन फास्ट होगा, मतलब इसका प्लस आर इफेक्ट इससे क्या होगा, ज्यादा। और प्लस आर इफेक्ट तो ये भी सही है, ये भी सही है। आप जानते हो ऑर्थो इफेक्ट क्या करता है, बेंजोइक एसिड के एसिडिक बिहेवियर को बढ़ा देता है, लेकिन मोर द ऑर्थो इफेक्ट मोर द एसिडिक बिहेवियर। यहाँ दो ऑर्थो इफेक्ट है और यहाँ पे एक ही ऑर्थो इफेक्ट, मोर नंबर ऑफ ऑर्थो इफेक्ट मोर इज द एसिडिक बिहेवियर। तो यहां ये ज्यादा होना चाहिए था ना, ये वाला ज्यादा होना चाहिए था, ये गलत हो गया। फिर देखो ये नेगेटिव चार्ज रिंग के ऊपर है, ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट क्योंकि ये प्लेन के बाहर है, तो ये कंट्रोल किससे होंगे, ओनली माइनस आई इफेक्ट, माइनस आई इफेक्ट से कंट्रोल होंगे। तो देखो ये माइनस आई लगा रहा है, ये माइनस आई लगा रहा है, यहां कुछ नहीं लग रहा, इसका माइनस आई लग रहा है, सही है। तो इसका माइनस आई इफेक्ट सबसे ज्यादा होता है, ठीक है, डी ज्यादा स्टेबल होगा सी से, डी सी सही है, लेकिन यहां माइनस आई लग रहा है तो इसकी स्टेबिलिटी बी वाले से क्या होगी, ज्यादा होगी, जो कि देखो यहां पे गलत है, ये गड़बड़ है, ये गड़बड़, तो ये भी गलत हो गया। आंसर कौन सा चला जाएगा, फर्स्ट एंड सेकेंड। नेक्स्ट देखते हैं, ओके। तो देखो भाई, आप जानते हो रिडक्शन पोटेंशियल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग पावर, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू हो गया किसके, रिड्यूसिंग पावर। तो अब आप देखो सबसे ज्यादा रिडक्शन पोटेंशियल इसका है, मतलब ये ऑक्सीडाइज करेगा बाकी को, मतलब ये किसको, ये इसको भी ऑक्सीडाइज कर सकता है, इसको भी ऑक्सीडाइज कर सकता है, इसको भी ऑक्सीडाइज कर सकता है, ऐसा ऑप्शन है कहीं पे, मैग्नेट आयन विल ऑक्सीडाइज क्लोराइड आयन, सही बात है, मैग्नेट आयन विल ऑक्सीडाइज क्रोमियम आयन, ये भी सही बात है, डाइक्रोमेट आयन ऑक्सीड, ये तो उल्टा हो गया, इधर देख लेते हैं, ब्रोमीन विल ऑक्सीडाइज, ब्रोमीन का रिडक्शन पोटेंशियल ये है और किसको ऑक्सीडाइज कर रहा है, क्लोराइड, कहाँ गया क्लोराइड, इसका रिडक्शन पोटेंशियल ये, तो ये इसको ऑक्सीडाइज, ये इसको ऑक्सीडाइज नहीं कर पाया, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा वो कम रिडक्शन पोटेंशियल वाले को ऑक्सीडाइज करता है। आंसर कौन सा चला जाएगा अपना, सेकेंड और थर्ड, फटाफट। ये देख लो, ये याद रखना पड़ेगा आपको, पॉलीएस्टर आप जानते हो को पॉलीमर ही होता है, पॉलीस्टाइरीन ये याद रखना पड़ेगा, पॉलीस्टाइरीन थर्मोप्लास्टिक होते हैं, पॉलीस्टाइरीन स्टाइरीन का पॉलीमर, डैक्रॉन और टेरिलीन ये क्या होते हैं, फाइबर ही होते हैं,
नेचुरल रबर भी, जितने रबर होते हैं, रबर ऑलमोस्ट जो रबर होते हैं वो थर्मोसेटिंग ही होते हैं, थर्मोसेटिंग ही होते हैं। तो भाई इसको तो एग्जाम्पल्स हैं, इनको याद आपको रखना जरूरी है फ्रॉम एनसीईआरटी, ठीक है। तो खैर इसमें अगर देखा जाए तो इसके अकॉर्डिंग आंसर हमारा हो जाएगा सेकेंड, थर्ड एंड। ओके चलो ये इनऑर्गेनिक वाले सर करवाएंगे, ये भी इनऑर्गेनिक वाले सर करवा देंगे। अब सेक्शन डी में आ जाते हैं। सेक्शन डी व्हेन, चलो जी ये देखो, कह रहा है एफी सॉलिड डिजॉल्व इन एक्वस एसिड, क्लोज्ड वेसल है। कैसा वेसल है? क्लोज्ड, मतलब डी वी क्या होगा? जीरो, मतलब डब्लू क्या हो जाएगा? व्हाट इज द वर्ड? सीधे सीधे सही है, ये चलिए देखते हैं। गैस इज हैविंग मॉलिकुलर फॉर्मूला ओ एन, वेपर डेंसिटी दिया हुआ था। हम जानते हैं मोलर मास इक्वल टू क्या होता है? 2 इंटू वेपर डेंसिटी, कितना हो जाएगा? 2 × 24, ये कितना हो जाएगा? 48, ये मोलर मास हो गया। और इसका मोलर मास जो होना है वो 16N होना है, तो N की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3 हो गया N। ओके नेक्स्ट है ऑर्गेनिक का, तो इसमें लिखा है हाउ मेनी डाई, देखो हमारे पास है 6 कार्बन है और डाई कार्बोक्सिलिक बोला है। कार्बोक्सिलिक एसिड तो खुद कार्बन कंटेनिंग होता है और उसमें भी आपको डाई लेना है, मतलब दो कार्बन तो वही उड़ा देंगे। तो 6 में से बचे कितने कार्बन? 4 कार्बन, 4 कार्बन लेफ्ट है और 4 कार्बन के 2 स्केलेटन बनते हैं। कैसा? एक तो ये स्केलेटन बनता है और एक ये स्केलेटन बनता है, ये बचा। अब डाई कार्बोक्सिलिक मतलब दो COH जोड़ने हमें इस पर। कंडीशन ये है कि जो हीट करने पर ओनली CO2 दे, ओनली, ऐसा नहीं है कि हीट करने पर CO2 के साथ H2O दे, सिर्फ CO2 दे। तो डाई कार्बोक्सिलिक कौन सबसे ज्यादा CO2 देते हैं हीट करने पर? ये इस टाइप के जेमिनल, जेमिनल डाई कार्बोक्सिलिक, जेमिनल डाई कार्बोक्सिलिक को अगर हीट करोगे तो ये माइनस ऑफ CO2 निकालेंगे। जेमिनल होना चाहिए या अल्फा पोजीशन पे होना चाहिए। तो अब आप देखो तो एक जेमिनल तो यहां मिल जाएगा, एक जेमिनल यहां पे मिल जाएगा। अब यहां यहां लगाओगे तो कॉमन हो जाएगा। डाई कार्बोक्सिलिक तो बहुत मिलेंगे लेकिन साथ में यह है कि वो डाई कार्बोक्सिलिक बताने हैं जिनको हीट करने में CO2 भी निकले, तो वो जेमिनल में ही होगा। एक जेमिनल यहां पर मिल जाएगा आपको। अब चाहे यहां लगाओ, चाहे यहां लगाओ, चाहे यहां लगाओ, सेम स्ट्रक्चर बनेगा। अच्छा यहां लगा नहीं सकते क्योंकि यहां पर जगह नहीं है, दो COH यहां पर नहीं लगा सकते। तो कितने जेमिनल मिले? 1, 2 और 3। तो आंसर कितना हो जाएगा हमारा? 3 डाई कार्बोक्सिलिक ऐसे हो। ओके नेक्स्ट, इसको देखो। पहले देखो NaCN से रिएक्शन कराया, NaCN से अगर आप रिएक्शन कराओगे और फॉलोड बाय H+, तो फाइनली ये क्या बन जाएगा? OHCN, ये A हो गया, ये A हो। अब लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड अगर आप इस पे डाल दोगे तो CN का क्या बना देता है? CN का क्या बना देगा? CH2 रिडक्शन कर देगा, CH2NH2 प्राइमरी अमीन बना देगा। ये हमारा हो गया B। अब इस पर रिएक्शन कराओगे NaNO, प्राइमरी अमीन का NaNO2HCl क्या बनाता है? वैसे तो एल्कोहल बनाता है अगर एल्काइल प्राइमरी अमीन है तो,
बट अगर लेकिन एरोमेटिक प्राइमरी अमीन है तो लेस देन इक्वल टू 5 डिग्री सेंटीग्रेड पर बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट बनाता है। अभी तो एलिफेटिक है और किस मैग्नीशियम के थ्रू जाता है, कार्बोकेटायन मैग्नीशियम। तो यहां से जब आप रिएक्शन कराते हो तो माइनस ऑफ क्या हो जाता है, N2। तो ये बनेगा क्या, कार्बोकेटायन, कार्बोकेटायन बन गया, ये बन गया देखो कार्बोकेटायन। अब इसमें क्या होना है, रिंग एक्सपेंशन, रिंग एक्सपेंशन। जब रिंग एक्सपेंशन कराओगे यहां से यहां तो कार्बोकेटायन 6 मेंबर रिंग बन जाएगा, 6 मेंबर रिंग बन गया, ओ एच और कार्बोकेटायन यहां पे आ गए। अब यहां से बैक बॉन्डिंग पॉसिबल है, बैक बॉन्डिंग, ये लो जी, तो ये बन गया हमारा फाइनली ये। अब इसमें अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, 4 अल्फा हाइड्रोजन है, ठीक है। अब इसमें क्या डाला है, एक्सेस में NaOD डाल दिया और D2O-, तो ड्यूटीरियम एक्सचेंज हो जाएगा, ऑल अल्फा हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूटेड बाय ड्यूटीरियम। टॉटोमेरिज्म या इनोलाइजेशन प्रोसेस से बताते हैं ना, टॉटोमेरिज्म, जैसे ये इधर गया, ये इधर वापस आएगा, यहाँ पे नेगेटिव आएगा, D आ जाएगा यहाँ पे, सो ऑल अल्फा हाइड्रोजन कैन बी सब्स्टिट्यूटेड बाय D। तो फाइनली ये क्या बन जाएगा, बाय टॉटोमेरिज्म। तो फाइंड आउट द नंबर ऑफ ड्यूटीरियम प्रेजेंट इन द कंपाउंड डी, ये हमारा डी कंपाउंड है, इसमें कितने ड्यूटीरियम एटम आ रहे हैं, कितने ड्यूटीरियम एटम प्रेजेंट हो रहे हैं, 4 ड्यूटीरियम एटम प्रेजेंट हो रहे हैं, ऑल अल्फा हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूटेड बाय ड्यूटीरियम, ओके, बाय टॉटोमेरिज्म। ये तो इनऑर्गेनिक सर कराएंगे, ये भी ठीक है। तो ये था हमारा पेपर फर्स्ट, अब इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे पेपर सेकंड।